फैन में जमी हुई धूल, फैन की इरिटेटिंग नॉइस और बार बार फैन को ऑन ऑफ या रेगुलेट करने के लिए आपका वेट से उठना, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आप हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते होंगे। और वैसे भी आजकल ज्यादातर चीजें धीरे धीरे स्मार्ट होती जा रही हैं, जैसे स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट कार, तो क्यों ना अब हम अपने घर में लगे फैन को भी स्मार्ट बना दें। सो हे एवरीवन, मैं हूं अमरीश और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 स्मार्ट फैन लेकर आया हूं जो देखने में अट्रैक्टिव होने के साथ साथ काफी एफिशिएंट भी हैं। इन सभी फैंस की परचेज लिंक हमेशा की तरह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगी। इन गैजेट्स के यूनिक फीचर के बारे में जानने के लिए देखते रहिए, पर इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे आप रहेंगे सबसे ज्यादा स्मार्ट एंड हाईटेक। नंबर 3, LG स्मार्ट फैन। वैसे तो LG कंपनी होम अप्लायंस के लिए काफी फेमस है, पर अभी तक इस कंपनी ने एक भी फैन नहीं बनाए थे, तो अब LG ने लॉन्च कर दिया है अपना फर्स्ट सेलिंग फैन जो कि एक स्मार्ट फैन भी है। एयर फ्लो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और नॉइस को कम करने के लिए इस फैन की विंग्स को बायोमैकेनिकली डिजाइन किया गया है जो कि हम्पबैक व्हेल से इंस्पायर्ड है। हम्पबैक व्हेल के विंग्स में निकले उभार की वजह से ये गहरे ब्लू ओशियन में साइलेंटली स्विमिंग करती रहती है, तो इसी टाइप के उभार का यूज इस फैन की विंग्स को बनाने में किया गया है। अननेसेसरी नॉइस को कम करने के लिए इसकी मोटर को मल्टीपोलर डिजाइन किया गया है, तो अगर इसे कन्वेंशनल फैन से कंपेयर करें तो इसमें 20 एक्स्ट्रा पोल लगे हुए हैं जो टॉर्क को कम करके फैन के स्मूथ ऑपरेशन में हेल्प करते हैं। इस स्मार्ट फैन में डुअल ब्लेड यूज किए गए हैं, इसका मतलब लार्ज ब्लेड के अंदर स्मार्ट ब्लेड लगे हुए हैं जो रूम में नेचुरल एंड यूनिफॉर्म एयर फ्लो जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी आंखों में इरिटेशन और अदर डिस्टरबेंस नहीं होंगे। इस फैन में 3 ब्लेड्स लगे हुए हैं और इस फैन का डायमेंशन 1200x432 mm है। ये फैन 30 वाट पावर कंज्यूम करता है और अगर RPM की बात करें तो इसका RPM 250 है। LG ने इस फैन में मॉस्किटो अवे टेक्नोलॉजी का भी यूज किया है जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव प्रोड्यूस करता है जो आपको मच्छरों से भी दूर रखेगा। इस फैन के सेंटर में एक प्रीमियम LED डिस्प्ले है जो डिफरेंट इंडिकेशन शो करती है। इस स्मार्ट फैन को कंट्रोल करने के लिए आपको बेड से उठने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसे आप गूगल एलेक्सा से पेयर करके कंट्रोल कर सकते हैं। ओके गूगल, चेंज द सीलिंग फैन टू लो स्पीड मोड। या फिर इसे स्मार्ट थिंग ऐप के थ्रू मोबाइल से कहीं से भी कभी भी कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 2, Xiaomi स्टैंडिंग स्मार्ट फैन। बॉक्स में पार्सली माउंटेड फैन होता है जिसमें फुट, लेग, मोटर, फैन हेड, पावर केबल, बैटरी, स्क्रू और कुछ बोल्ट्स होते हैं। इसको असेंबल करना काफी आसान है। सबसे पहले फुट को लेग से अटैच करना है, फिर फैन हेड को खोलकर पीछे और आगे वाले पार्ट को एक स्क्रू की हेल्प से लगा देना है। फैन के लोअर पार्ट में बैटरी को माउंट करना है जिसकी कैपेसिटी 2800 mAh है जो लोअर स्पीड पर फैन को 16 आवर्स तक चलने में हेल्प करती है। तो ये फैन एक परफेक्ट पोर्टेबल फैन भी है, तो इसे आउटडोर में भी बिना पावर सप्लाई के यूज कर सकते हैं। फुट के बैक साइड में पावर केबल को लगाना है और अब आपका फैन चलने के लिए रेडी हो गया। फैन टॉप में लगी बटन को प्रेस करके इसे मैनुअली टर्न ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं और जब फैन ऑन हो तो बटन को शॉर्ट प्रेस करके इसकी स्पीड को भी रेगुलेट कर सकते हैं। फैन हेड में 4 LED लाइट्स लगी हैं जो फैन स्पीड शो करती है। फैन हेड के बैक साइड में लगी बटन को प्रेस करके इसका ऑसिलेटर ऑन कर सकते हैं जो फैन को लगातार रोटेट करने में हेल्प करता है। फैन हेड को 15 डिग्री नीचे की तरफ और 25 डिग्री ऊपर की तरफ टिल्ट कर सकते हैं और परफेक्ट एयर ब्लोइंग एंगल सेट कर सकते हैं। इस फैन में ब्रशलेस मोटर लगी है जो इसे स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ इसे साइलेंट भी रखती है। तो आइए अब इसका नॉइस टेस्ट करते हैं। इस फैन को मी होम ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। इस ऐप के थ्रू इसे ऑन ऑफ और इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। फैन को 2 मोड में यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट विंड मोड जिसमें कांस्टेंट एयर ब्लो होगी और नेचुरल विंड मोड जिसमें कांस्टेंटली विंड स्पीड चेंज होती रहेगी। इसके अलावा कुछ और भी फंक्शंस हैं जिन्हें हम मी होम ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1, ओरिएंट एयर स्लिम फैन। ओरिएंट CK बिरला ग्रुप की कंपनी है जो मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाती है। इस फैन को साइलेंड्रिकल लुक दिया गया है जो इसे यूनिक बनाता है। टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल डिजाइन की वजह से ये दिखने में प्रीमियम क्वालिटी का फैन लगता है। इसकी ब्लेड को एरोडायनेमिकली डिजाइन किया गया है जिसकी वजह से ये स्मूथ एंड यूनिफॉर्म एयर जनरेट करता है। स्मूथ एंड यूनिफॉर्म एयर फ्लो की वजह से कम नॉइस प्रोड्यूस करता है। इस फैन की ब्लेड हाई ब्लेड पॉलीमर से बनी हुई है जो इसे रस्ट फ्री और ज्यादा ड्यूरेबल बनाती है।
इस फैन के बेस में आई कंफर्ट एंड स्मूथली डिफ्यूज लाइट लगी है जिसे आप डिम भी कर सकते हैं। इस फैन के साथ एक रिमोट भी मिलता है जिससे आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। रिमोट के थ्रू फैन को ऑन ऑफ, स्पीड रेगुलेट एंड टाइमर भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा रिमोट से डाउनलाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं जहां से आप इसे ऑन ऑफ और लाइट को डिम भी कर सकते हैं। इस फैन को ओरिएंट स्मार्ट ऐप के थ्रू स्मार्टफोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा इसे अमेज़न एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट से पेयर करके भी कंट्रोल कर सकते हैं। कंक्लूजन एंड माय चॉइस, इन तीनों में से सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे LG स्मार्ट फैन, जो देखने में यूनिक है ही, और इसमें LG ने कई नई टेक्नोलॉजीज का यूज किया है जो काफी यूजफुल हैं। पर अगर आप एक स्टैंडिंग फैन लेने की सोच रहे हैं तो Xiaomi का ये फैन आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस फैन का पोर्टेबल फीचर मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये काफी लाइट वेटेड है और बैटरी भी इसकी ठीक ठाक बैकअप दे देती है। ओरियन फैन के फीचर मुझे कुछ खास नहीं लगे, ऐसा लगता है जैसे नॉर्मल फैन को जबरदस्ती स्मार्ट फैन बना दिया गया हो। तो अगर आप काफी कम प्राइस में एक स्मार्ट फैन लेने की सोच रहे हैं तो आप इसे ले सकते हैं। सो गाइस, कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।